सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के प्रमुख बाजारों में लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों को डीसील करने का आदेश दिया है। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि निगम जल्द डीसील करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। वहीं डिफेंस कॉलोनी राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, GKN ब्लॉक मार्केट, ग्रीन पार्क, भोज खास, साउथ X1 मार्केट की लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों को डीसील किया जाएगा। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप बहुत बड़ी खुशखबरी है जो व्यापारियों के लिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और उससे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे कि 2017 और 18 में मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा जितने भी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे डिफेंस कॉलोनी में, उस टाइम पे उनके पहली और दूसरी मंजिल को सील कर दिया गया था। और उस टाइम ये बोला गया था मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा, उनके आदेश पर इनको सील करा था, कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर रहे हैं। और इतने सालों तक व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल जो लॉसेस हैं उनको बियर किया। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल कमेटी का गठन किया था जो इस पूरे मुद्दे की जाँच करने के लिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं उनके लिए, अब 6 साल के बाद अब उन सभी कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी खुशखबरी ये है कि अब 6 साल के बाद इन सबको डीसील किया जाएगा। और अब उसके लिए एक लीगल पोजिशन है उन दुकानों की, उसके आधार पर किया जाएगा। और रिफाइज जो है FAR को भी चेक किया जाएगा, जो हमारा फ्लोर एरिया रेशो होता है उसी आधार पर उन दुकानों को सील किया जाएगा। पर उसके लिए जितने भी व्यापारी हैं डी सील किया जाएगा, जितने भी व्यापारी हैं उसके लिए उनको कंसर्न डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर एडिशनल FAR, एडिशनल चार्जेस अगर अप्लाई होते हैं उनको भी पे करना होगा। और जो रही बात वो दुकानें जो बेसमेंट में हैं, जिन्होंने बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ करी थी, उसके लिए भी उनको एडिशनल FAR पे करना पड़ेगा। और ऐसी बेसमेंट जहाँ पर स्टोरेज या गोडाउन के रूप में जो बेसमेंट यूज़ की जा रही थी, उनको कोई भी एडिशनल चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। अब जितने भी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उसकी फेडरेशन है, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, एक खुशी की लहर है उनके बीच में है। और हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द जो डी सीलिंग की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। और इसका फायदा किन किन मार्केट में पहुंचेगा इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, डिफेंस कॉलोनी, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, GKN ब्लॉक मार्केट, ग्रीन पार्क, हॉस्कास, साउथ X1 मार्केट। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि हम कर्मचारियों के हित में काम करें, जनता के हित में काम करें, पर एक व्यापारी वर्ग भी ऐसा है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से सोचती आई है। इतने सालों की लड़ाई के बाद जिनकी दुकान बंद हो जाए, फाइनेंशियल लॉसेस हो, जिन्होंने इतना घाटा सा हो, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि डी सीलिंग का जो आदेश है उससे जो व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। तो मैं दरख्वास्त करूंगी जितने भी व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, जो 6 साल पहले जिनकी दुकानें सील हुई थी, अब डिपार्टमेंट में आकर वो अपना आवेदन दें और एडिशनल चार्जेस पे करने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद, अपनी दुकानों को जल्द से जल्द डी सील करवाएं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।